नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज मैं डोकरा का एक इंटरेस्टिंग मॉडल बनाया, आप देखिए कि आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर करके जाइएगा। मैं आज एमसील का इस्तेमाल करूँगा। एमसील को मैं क्ले की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अगर मेरे चैनल पहले देखे हैं तो आप जानते हैं इससे पहले एमसील से मैं काम किया था। एमसील को आप क्ले की तरह ही काम कर सकते हैं। आप क्ले से जैसे काम करते हैं वैसे ही काम आप एमसील से भी कर सकते हैं। आज के काम के लिए मिट्टी का भी बहुत ज़रूरत होगा, तो इसलिए मैं गंगा मिट्टी लिया। यही मिट्टी मेरे पास था। आपके पास कोई भी मिट्टी है तो आप उससे काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा जिस मिट्टी में बाली का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, मतलब सैंड ज़्यादा रहता है जिस मिट्टी पे, उस मिट्टी से आप काम कीजिएगा तो आपके काम बहुत अच्छा होगा। मैं गंगा मिट्टी के साथ ही गंगा का जो सैंड है वो मैं मिक्स कर लिया। मिट्टी से राउंड शेप बना लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा धूप में छोड़ दूंगा 15-20 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं ये एमसील से मैं मोल्ड करना स्टार्ट करूँगा। आप मोल्डिट या तो और कोई भी क्ले जैसे आप रेडी करते हैं दोनों पेस्ट को एक साथ मिला के, वैसे ही आप एमसील को रेडी कीजिएगा। क्ले से काम करने के टाइम मैं हर बार कहता हूँ कि हाथ में ऑयली कुछ लगाइए, या तो टेलकम पाउडर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि आप जब एमसील से काम कीजिएगा तो मस्टर्ड ऑयल हाथ में लगाइएगा। आप जब एमसील को मिक्स कीजिएगा, जब ये मिक्स होके रेडी हो जाएगा तब एक एमसील से हीट जेनरेट होता है। आपके हाथ में लेने से ये पता चलेगा कि थोड़ा ये हीट जेनरेट किया है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ अभी एमसील का पेस्ट जो आप बनाए हैं वो आपको रेडी हो गया है काम के लिए। आप जानते हैं कि डोकरा का आप कुछ भी बनाइए उसमें वायर फिनिशिंग रहना बहुत ज़रूरी होता है। आज भी मैं इस काम पर वायर फिनिशिंग कर रहा हूँ, लेकिन वायर को मैं राउंड वायर नहीं रखा, इसको मैं फ्लैट वायर बनाया, इसी से मैं आज काम करूंगा। आप अगर एमसील से काम करते हैं तो दोनों पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके रेडी कीजिएगा और काम करता हुआ जाइएगा, क्योंकि एमसील बहुत जल्दी सूख के हार्ड हो जाता है। 15 से 20 मिनट के अंदर एमसील हार्ड होना स्टार्ट करता है। जब एमसील हार्ड हो जाएगा तब ये कोई काम का नहीं रहेगा। जिस पार्ट पे आपका काम हो गया है और एमसील भी सूख गया है, उस पार्ट के ऊपर अगर आपको और भी कुछ लगाना है, और भी कुछ काम करना है, तब आप थोड़ा व्हाइट गाम देके काम कीजिए, और नहीं तो सूखा हुआ एमसील के ऊपर नया आप जब एमसील लगाइएगा तब ठीक से लगता नहीं है। व्हाइट गाम देने से वो अच्छी तरह से पकड़ में आ जाएगा। फ्लैट वायर का मेन बेस जो बनाया मैं, ये बहुत सिंपल है, तो इसलिए इसके एक साइड में मैं गणेश जी को बना रहा हूँ, और गणेश जी को थोड़ा मैं डिटेल करूँगा तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, और इसके बाद मैं जब कलर भरूँगा तो ये देखने में और भी सुंदर लगेगा। मेरा इस चैनल पे सबसे लास्ट जो डोकरा मॉडल का वीडियो था वो था डोकरा बुल। आप अगर वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। डोकरा बुल पे भी मैं मिट्टी का इस्तेमाल किया था। बुल के पेट में मैं थोड़ा खाली जगह रखने के लिए मैं मिट्टी का इस्तेमाल किया, और काम कंप्लीट हो जाने के बाद उस मिट्टी को जब मैं निकाल लिया तो मुझे एक जगह मिल गया, खाली जगह, वहाँ मैं कुछ रख सकता हूँ। आप बना के भी कुछ रख सकते हैं। Thank you.
गणेश जी को कंप्लीट कर लेने के बाद ये अभी पूरा सूख के हार्ड हो गया है। अभी मैं ये जो बोतल मैं इस्तेमाल किया था और मिट्टी इस्तेमाल किया था, इसको मैं निकाल लूंगा। आप भी अगर चाहे तो मिट्टी से कुछ भी बनाइए और मोल्डेड से या कोई भी क्ले से आप पूरा मोल्ड कीजिए, उसके बाद मिट्टी को अंदर से निकाल लीजिए तो आपको एक खाली जगह मिलेगा। आपके पसंद के हिसाब से वो जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के जो मॉडल मैं बनाया, इसको मैं दो तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसको मैं पेन स्टैंड बना सकता हूँ या तो फ्लावर वास के रूप में भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अंदर से बोतल और मिट्टी को निकल लेने के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करके फिर सूखा लेंगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर पूरा ब्लैक कलर भर दूंगा और थोड़ा मेटालिक लुक मुझे देना है, तो इसलिए मैं इंडिगो का गोल्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। कलर भरने के लिए मुझे एक स्पॉन्ज का टुकड़ा चाहिए। मैं गोल्डन को मैं डीप करके मैं धीरे धीरे कलर भरूंगा और जहाँ कलर ठीक से नहीं पहुँचेगा वहाँ मैं बाद में तूली या ब्रश के मदद से मैं अंदर में थोड़ा कलर दे दूंगा। ये इंडिगो गोल्ड वाटर बेस कलर है, लेकिन ये सूख जाने के बाद आप अगर इसको वॉश कीजिएगा फिर भी ये नहीं खराब नहीं होगा। इससे पहले मैं ये पेन स्टैंड बनाया था, आपने अगर नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन में इसका भी लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। इतने दिनों से आपके प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहा है, मैं यही उम्मीद करूँगा आगे जाके भी आपका प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर रहेगा। और हाँ, मैं एकदम स्टार्टिंग में कहा था कि अच्छा लगे तो लाइक, ना लगे तो डिसलाइक, ये ज़रूर करके जाइएगा, कुछ रिस्पॉन्स करके जाइएगा, मेरा यही कहने का मतलब है। आज चलता हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स।